वाटर बेड यह एक बेड सो जख्म के प्रयोग में लाया जाता है। यह बेड सो जख्म उन लोगों को होता है जिसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, या किसी के कमर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट कर लेता है, या कुछ ज़्यादा उम्र के बूढ़े ज़्यादा बेड इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से जख्म का उत्पन्न होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि वाटर बेड किस तरह इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। वाटर बेड इस्तेमाल करने के लिए पैकेट को खोलें और जहां आपको वाटर बेड इस्तेमाल करना है वहां वाटर बेड को फैला दें। एक बात याद रखें, वाटर बेड में पानी भरने के बाद वाटर बेड यहां से वहां नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका वज़न बहुत बढ़ जाता है। तो कृपया वाटर बेड को वैसे जगह रखें जहां आपको इधर से उधर हटाना ना पड़े। वाटर बेड पैकेट के अंदर सुलेशन और सुलेशन पट्टी भी मिल जाती है, कहीं आपका वाटर बेड पंचर हो जाए तो आप उसे बंद कर सकते हैं। और एक पाइप मिलेगी जो आप बेड के नोब में लगाकर पानी भर सकते हैं। तो वाटर बेड को ओपन करने पर आप सबको तीन नोब मिलेंगे जिनमें पानी डाली जाती है बारी बारी तीनों नोब में। वाटर बेड को तीन भाग में बांटा गया है इसलिए तीन नोब दिया है। तीनों नोब में बारी बारी से पानी डाला जाता है। वाटर बेड में लगभग 80 लीटर पानी आ जाते हैं। वाटर बेड की लंबाई 6 फीट है और चौड़ाई 3 फीट, जो तीन भागों में बांटा गया है। एक का लंबाई 4 फीट में बांटा गया है, दूसरा 1 फीट का है और तीसरा भी 1 फीट का है। 4 फीट की लंबाई में करीब 50 लीटर पानी आ जाते हैं और जो 1 फीट की लंबाई है उसमें 15 लीटर और सबसे ऊपर की भाग जो 1 फीट है उसमें पानी 20 लीटर आ जाते हैं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा? अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कॉमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।